मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा, लाडली बहना योजना का ऐलान, हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे, जो इनकम टैक्स के दायरे से में नहीं आती है। सीएम ने कहा कि सभी वर्ग जाति की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी जयंती के मौके पर नर्मदा घाट से आज एक बड़ी घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की उन महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। राज्य की 65% महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आने वाली सभी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देगी। योजना का नाम लाडली बहना योजना होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती उत्सव समारोह में की। इस योजना का फायदा कुल महिलाओं की आबादी में से लगभग 65% से अधिक महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के मौके पर बुधनी नर्मदा तट पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर अब प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी। इसमें जाति का कोई बंधन नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई लाडली बहना योजना में सबसे खास बात यह है कि इस योजना के आड़े जाति बंधन नहीं आएगा। इस योजना के तहत बहनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी साल भर में कुल 12,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स नहीं जमा करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इस योजना में वर्ग जाति का बंधन नहीं होगा, सभी वर्ग जाति की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बहनें मुझसे शिकायत करती थी कि भाई कुछ नहीं कर रहा है। लाडली बहना योजना की घोषणा करने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश की बहनें अक्सर उनसे शिकायत करती थी कि भैया मुख्यमंत्री होते हुए बहनों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए अब यह भैया सभी गरीब बहनों के लिए लाडली बहना योजना शुरू कर रहा है। अब गरीब बहनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश की गरीब महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह उनकी निजी खर्च के लिए प्राप्त होंगे। इससे कई गरीब महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा।